आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक महा औषधि त्रिफला चूर्ण से मिलने वाले 9 चमत्कारी फायदे के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको त्रिफला चूर्ण का सेवन कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में त्रिफला खाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। त्रिफला में बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। शॉर्ट में कहें दोस्तों तो त्रिफला समस्त रोगों की एक अमृत दवा है। फ्रेंड्स, वैसे तो त्रिफला खाने से हमें बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे बड़े जबरदस्त फायदे शेयर करूंगी जिससे आप नियमित रूप से त्रिफला का सेवन करना शुरू कर देंगे। सबसे पहला बेनिफिट है त्रिफला खाने का, ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखने में मदद करता है। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर हो, ज्यादातर एसिडिटी की समस्या रहती हो, यानी थोड़ा सा भी हैवी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें नियमित रूप से त्रिफला का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये आंवला, हरड़ और बहेड़ा तीनों फलों से मिलकर बनता है जो कि औषधि गुणों का भंडार है। इसके अलावा जिन लोगों को पाइल्स यानी बवासीर की शिकायत हो या फिर ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या रहती हो, उन्हें त्रिफला का जरूर सेवन करना चाहिए। जी हाँ, त्रिफला पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन का रामबाण इलाज है। फ्रेंड्स, जो लोग मोटापे की वजह से बहुत ही परेशान रहते हो, सब कुछ ट्राई कर लिया हो पर फिर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए त्रिफला किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, रेगुलर सुबह खाली पेट त्रिफला खाने से बहुत ही जल्दी वेट रिड्यूस होता है। असल में दोस्तों, जो लोग मोटापे से ग्रसित होते हैं उनके शरीर में कैल्शियम और विटामिन सी की मात्रा कम होती है, इसलिए इसकी कमी त्रिफला द्वारा पूरी की जा सकती है और इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, थर्ड इम्पोर्टेंट बेनिफिट है त्रिफला का, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि त्रिफला में हरड़ और बहेड़ा मौजूद होता है जिसकी मदद से डाइजेस्टिव एंजाइम को रेगुलेट किया जा सकता है, और आंवला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए त्रिफला का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा त्रिफला हमारी आंखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। असल में त्रिफला में आंवला होता है और आंवला में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ही मददगार होता है। दोस्तों, त्रिफला का नियमित रूप से सेवन करने से हृदय स्वस्थ रहता है। असल में त्रिफला का सेवन करने से आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा त्रिफला आपके शरीर में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है। ओवरऑल कहें तो त्रिफला हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ठीक रखता है जिससे हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। त्रिफला हमारे शरीर में लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। जी हाँ, त्रिफला हमारे शरीर में जमा टॉक्सिन्स यानी विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को साफ करता है जिससे हमारा लिवर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। दोस्तों, त्रिफला में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक होता है, इसलिए जिन्हें जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती हो उन्हें नियमित रूप से त्रिफला का सेवन करना चाहिए, इससे जोड़ों में दर्द की समस्या दूर होगी। इसके अलावा त्रिफला में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आर्थराइटिस यानी गठिया के सूजन को कम करने में भी मदद करता है। त्रिफला में आंवला होता है और आंवला में विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये स्किन को सेहतमंद रखने में भी बहुत ही मददगार होता है। जी हाँ, त्रिफला स्किन से जुड़ी समस्याएं जैसे दांत, खुजली, फोड़े फुंसी ठीक करने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण भरपूर मात्रा में होते हैं जो बालों को स्वस्थ बनाए रखते हैं, तो अगर आप रेगुलर त्रिफला का सेवन करते हैं तो आपके बाल मजबूत होंगे और बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ त्रिफला खाने से सफेद बालों की समस्या भी दूर होगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ त्रिफला खाने का सही समय और सही तरीका क्या है, यानी किन किन तरीकों से त्रिफला का सेवन किया जा सकता है। वैसे तो एक स्वस्थ व्यक्ति को त्रिफला सुबह के समय खाली पेट खाना चाहिए। जी हाँ, सुबह के नाश्ते के एक घंटे पहले त्रिफला खाना फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आप त्रिफला का सेवन डायरेक्ट नहीं कर पाते तो सुबह में त्रिफला का सेवन गुड़ या शहद के साथ करें, और आप गुड़ के साथ त्रिफला खाने के बाद सुबह के समय दूध भी पी सकते हैं, ये भी आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पर जिन्हें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, पाइल्स यानी बवासीर की शिकायत हो या फिर पेट से जुड़ी और कोई समस्या हो, उन्हें त्रिफला का सेवन रात को खाना खाने के बाद या फिर रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि रात को त्रिफला खाने से सुबह पेट साफ हो जाता है।